हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो भैया हम सब लोग आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। जब से पीआईबी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उससे पहले से हम लोग आने की कोशिश कर रहे थे एनटीए, और आज हम लोग एनटीए पहुँचे हैं ताकि और ज़्यादा क्लेरिफिकेशन हो पाए बच्चों के फ्यूचर पे। और इसके रिगार्डिंग आज हम लोग एनटीए के एक सीनियर एडवाइज़र से मिले। मुझे लगता है एमआर सर बताएंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस। सर देखिए, सबसे पहले तो 3 घंटे वेट कराने के बाद वो हमसे मिले। उम्मीद बहुत कम थी लेकिन वो आए हमसे मिले, और मिलने के बाद सबसे पहले मैंने उन्हें से यही पूछा था कि जो टाइम लॉस हुआ है वो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स पे रिपोर्ट हो रहे हैं और हर न्यूज़पेपर में, हर छोटे छोटे सिटीज में ये न्यूज़ आ रही है। उन्होंने बोला हमें कुछ नहीं पता, नहीं हुआ है ऐसा। हमने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई, उन्होंने बोला कि हमें नहीं पता, हुआ होगा कहीं वो समझे। मैंने बोला पेपर तो आपका था, तो हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं। मैंने बोला चिटिंग हुई है, पटना पुलिस में FIR है, उसका रिपोर्ट बनाया पटना पुलिस ने। बोला कि उनके यहाँ हुई, उनसे समझेंगे, हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब एनटीए को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या ग्राउंड पे चल रहा है। पहली बात ग्रेस मार्क का, उन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क तो हमने दिए थे, तो मैंने बोला ये तो जेई और मेडिकल एंट्रेंस में दिया ही नहीं जा सकता है, तो उनको पता ही नहीं था। बहुत देर तक वो ढूंढे, मैंने दिखाया उनको, तो बोले कि अच्छा ये तो पता ही नहीं था, इसके लिए कमेटी बन गई है। फिर उन्होंने बोला कि 2022 में भी हमने ऐसा दिया था, एक पीडब्ल्यू की कैंडिडेट को 1 घंटा लॉस हुआ था टाइम का, तो वहाँ पे हमने दिया था। फिर मैंने बोला ठीक है सर, आगे जहाँ पे आप जो ग्रेस मार्किंग है उसका क्या करोगे। तो उन्होंने बोला कि अभी कमेटी बनी है, इस पर डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है अभी कि उन्हें ये बिल्कुल ही नहीं पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है, या वो अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वॉइस जो नोट है वो भी मैं शेयर करूंगा, उनसे जो भी बातें हुई हमने रिकॉर्ड किया है वॉइस नोट पे। छह सेंटर के लिए बोल रहे थे। मैंने उनको बोला, मैंने बोला महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, सवाई माधेपुर से लेकर के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर से जहां पे ऐसा हुआ है और न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ है। तो बोले कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो किसी ने नहीं बताया, हमें तो बच्चे ने बताया नहीं। आप कब कहां थे, कहां सो रहे थे, हमें ब्लेम किया कि आप कहां थे इतने दिनों तक, आपको आके बताना चाहिए था ना ये इशू है तो, और बच्चों को बताना चाहिए था। तो वही बात हो गई ना कि जो पकड़ा गया वो चोर, जिसने बताया वहां गलती हुई है, जहां पे नहीं बताया वो कोई गलती नहीं हुई है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और उनके सामने वो भागलपुर की एक न्यूज़पेपर की, और यहाँ पे बच्चे भी आए थे, बच्चे भी लगातार कंप्लेन कर रहे थे, तो उनसे भी वहाँ यही था कि हमें कुछ नहीं पता, जहाँ हुआ है वहाँ जाके क्यों नहीं। हाँ, ये तो सर पहले क्यों नहीं है और जहाँ पे हुआ है वहाँ रिपोर्ट करो। तो सभी बच्चों से मेरी मतलब ये है कि अब मास लेवल पे सच में हमें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो आप अपने अपने थाने में जाइए, और अगर आपके साथ गलत हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप कंप्लेन करिए। और जिस भी पुलिस स्टेशन में पटना पुलिस की जो रिपोर्ट है चीटिंग की, वो बोलिए कि यहाँ पे एनटीए में भेजे, नहीं है इनके पास, इन्होंने बोला, और मेरे पास पूरा सबूत है कि इन्होंने बोला है कि इनको कुछ नहीं पता। ये इसलिए बार बार कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ ना हो मतलब ये बोलने के पीछे कि कुछ नहीं हुआ है, वो रीजन ये है कि इनके पास कुछ भी नहीं है, तो शायद सच में नहीं है, इनको कुछ पता ही नहीं है। बोले कि न्यूज़पेपर में तो कुछ भी चलता है, सोशल मीडिया में तो कुछ भी चलता है, इसका कोई बेस नहीं, आप हवा में बात करते हो। हमें बोल रहे थे ग्राउंड पे जाके देखो, ग्राउंड पे जाके देखो, जबकि मैंने इनको दिखाया कि एक्चुअल में कोर्ट का जो नोटिस है वो सच में लिखा हुआ है कि जेई और नीट के लिए वो ग्रेस मार्क वैलिड नहीं हो सकता है, और पूरे इंडिया में पेपर डिले हुआ है, टाइम लॉस हर जगह हुआ है, और कई जगह से पेपर लीकेज के भी खबर है। तो ये कह रहे हैं कि कहीं से हमारे पास कुछ नहीं आया, तो अगर कहीं है, देखो पेपर में आने से, कहीं किसी को बोलने से, व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने थाना में रिपोर्ट कराया है और वहां पे पकड़ा गया, तो उन थाना को बोलिए कि एनटीए को रिपोर्ट सबमिट करे। यहाँ अभी तक तो यही बात है, बाकी आगे बात करेंगे। धन्यवाद।